तीन विकेट गिरा दीजिए जदयू का, मांझी जी को पटा लीजिए, खेला हो जाएगा। अगर लालू यादव जदयू के पांच विधायक तोड़ देते हैं तो हम अपनी बात, पूरा दलित समाज मांझी जी के घर में जाएगा, उनसे आग्रह करेंगे, जितने भी प्रभुत दलित हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल दलित हैं, वो सब मिल के मांझी जी को गोद में उठा के लालू जी के बगल में बैठा देगा। लालू जी का जादवे बुला ले, अगर आपको कहे कि बतिया दो तो बतिया दीजिएगा। हाँ, को बोले लालू जी हम बात करेंगे। अगर तेजस्वी यादव अगर 2025 से पहले खेला नहीं किए तो वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हुआ है, भाजपा आ जाएगी और फिर हिला नहीं पाइएगा। मतलब तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है वही है क्या? न तेजस्वी निकल रहे हैं, नवद बिहारी चौधरी निकल रहे हैं, एकदम सब लोग अंडरग्राउंड टाइप से हैं। तब कोई अगर मीडिया वाला मोदी के खिलाफ खबर छपाएगा उसके ईडी भेज देंगे, उसके घर सीबीआई भेज देंगे, जांच बैठा देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह बोले हैं। तो ललन सिंह जेपी आंदोलन से नेता बने हैं जी। 7 विकेट गिराना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को जीत के लिए 7 विकेट गिराना होगा। ये तो एक एक विधायक के लिए तरसा जा रहा है, तरसने का ये मतलब कहा जाता है, जिस तरह सुमित सिंह की आहोभगत हो रही है, जनता दल यूनाइटेड एक ही बार में उन्हें मंत्री बना देती है, फिर से उनको मंत्रालय दे दिया गया। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक विधायक है अख्तरुल ईमान, 5 थे, 4 आरजेडी में चले गए। तो हालात जो होंगे तो लालू प्रसाद यादव के साथ अख्तरुल ईमान जाएंगे, इसलिए कि पहले वो आरजेडी के ही विधायक हुआ करते थे, राजनीति में उनको वो गुरु भी मानते, कई बार उन्होंने कहा। तो ये जो मामला है वेद जी कि वो उसकी उनकी भी अहमियत बढ़ गई है, वो कह रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, बीजेपी को रोकने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट की भाषा में हम लोग थोड़ी सी बात कर ले जी तो रोचक अंदाज में हो जाएगा। अभी कहे तेजस्वी यादव खेला होगा, खेला होगा, आप बोले अपना पत्ता भी नहीं खोले। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कितने विकेट चाहिए तेजस्वी को जीत के लिए, जीत के लिए आरजेडी को कितना विकेट चाहिए, अभी कितना है इन लोग का गिना दीजिए। 79 है इसके पास, नहीं जो सरकार में है विकेट उसका गिरना। अच्छा, है हाँ। तो 78 बीजेपी का है, 45 जेडीयू है, 4 मांझी जी है, 1 निर्दलीय है, निर्दलीय है सुमित सिंह, 128 विधायक एनडीए के अभी सरकार में है। हाँ, सरकार बनी हुई है, बनी है, स्थिति वही है। हाँ, सरकार चलाने के लिए कितना चाहिए, 123 एक रहता है जनरली, एक एक्स्ट्रा रखता है लोग। हाँ, 22 चाहिए, 122 चाहिए, तो 7 विकेट गिराना पड़ेगा। हाँ, तेजस्वी यादव को जीत के लिए 7 विकेट गिराना होगा, 128 में से 7 को तोड़ना होगा अभी नहीं। हाँ, गिराना होगा। 3 विकेट अगर गिरा दे जेडीयू के, हाँ, तो ऑटोमेटिक मांझी जी इधर चले जाएंगे। हाँ, मांझी जी 4 और 3 इधर, तो 7 हो गया। हाँ, तो, साथे को गिराना है। हाँ, लेकिन उस स्थिति में भी मांझी जी नीतीश के साथ रह सकते हैं। हाँ, कहेंगे कि बल हम तो है ही है, सरकार चलाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बार्गेन करके कुछ हो लेके रह सकते हैं। इसलिए एक विकेट और गिर जाए, एक और, 4 उस 4 विकेट अगर गिर जाए तब क्या होगा, माइनस 4 करिए, 124 तब भी मांझी जी रहेंगे, तब सरकार चलते रहेगी, फिर माइनस 1 कीजिए, 123 फिर भी सरकार चलते रहेगी, फिर माइनस 1 कीजिए, 122 एक और माइनस कर दीजिए, 121 यानी 7 विकेट गिराना पड़ेगा तब खेला हो सकता है, खेला हो सकता है। लेकिन अगर 3 विकेट भी गिरा दिए, मांझी जी को पटा लिए तो हो जाएगा, तो ये भी खेला हो जाएगा। वो 3 विकेट गिरा दीजिए जदयू का, मांझी जी को पटा लीजिए, खेला हो जाएगा। अच्छा, अभी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी जी की जो पार्टी है, उनके नेता मतलब अंदर अंदर ये कह रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा खेला जब ओवैसी की पार्टी के विधायक साथ देंगे यानी उधर जो सुमित और इधर ओवैसी वाला, सुमित नहीं भी आए हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो किए कैलकुलेशन, निर्दलीय विधायक नहीं भी आए तो भी खेला हो जाएगा, अगर 3 विकेट गिरा दिए, बस 3 विकेट गिराना है, 3 गिराना है और मांझी जी इधर आ जाएंगे, ऐसे बोलिएगा। हाँ, तेजस्वी को 3 विकेट गिराना है और मांझी को पटाना है 3 विकेट गिराना और पटाना, इसी में राजनीति पूरी घूम रही, उसी में खेला है, खेल हो जाएगा, वर्ल्ड कप आ जाएगा इन लोग के पास।
इन लोग नेताओं के लिए वर्ल्ड कप क्या है? वे जी लंबा तजर्बा है आपके पास, तेजस्वी जी उस दिन निकले ईडी वाले ऑफिस से, खूब हाथ घुमाए खेला होबे टाइप से, उसके बाद से वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का राज बताइए। हाँ, नज़र तो ललन सिंह भी नहीं आ रहे हैं ना। ललन सिंह तो गए थे कल प्रधानमंत्री से मिले हैं, हालांकि बोल रहे थे जबरदस्ती कि बजट बहुत बढ़िया है, तो चूंकि एक सांसद हैं तो बजट सत्र में तो जाना ही पड़ेगा। बहुत चेहरा देखे हैं ललन सिंह का कैसा है, मुंह सूखा हुआ है। चार दिन पहले माने सरकारवा गिरे से पहले ललन सिंह क्या बोल रहे थे, कह रहे थे कि बल 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, 10 साल होने वाला है, कोनो काम हुआ है जी? काम हुआ है तो बस दुइये को, एगो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना हो गया समाज में, और एगो हुआ करना, मतलब एक अराजक स्थिति पैदा करना, दुइये को काम हुआ है। अब बोले कि बेरोजगारी दूर हुआ, हमने एकदम आप चाहे लगा दीजिएगा वो वीडियो। ललन सिंह बोले हैं कि नौकरी मिला है जी, महंगाई कम हुई है जी, और एक चीज़ सबसे बात बड़ी बात बोले है कि मीडिया वाला अगर मोदी के खिलाफ खबर चलाएगा तो कोई अगर मीडिया वाला मोदी के खिलाफ खबर छपाएगा उसके ईडी भेज देंगे, उसके घर सीबीआई भेज देंगे, जांच बैठा देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह बोले हैं। तो ललन सिंह जेपी आंदोलन से नेता बने हैं जी, तो तनी फून मनी तो समाजवादी विचारधारा बचल है, थोड़ा सा उधर खसक गए ना, घसक जाते हैं। अभी तो सटने का टाइम आ रहा है। हाँ। आप घसक रहे हैं। हाँ बोलिए। मसला ये कि खेला ललन सिंह किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, जैसे ललन सिंह अगर लोकसभा चुनाव जदयू से लड़ेंगे उनका ये वीडियो राजद वाला चला देंगे। हाँ। देखिए वीडियो, तो वो खेल से बेहतर यही खेल हो जाए। हाँ, ये वाला खेल अच्छा है वो खेल से। ललन सिंह अमर हो जाएंगे राजनीति में, ऑपरेशन ललन सिंह के नाम से ही तो खबर चल रही है। वो तो बोले थे कि हमारा छवि भी खराब किया, बड़ा वो बोले भी थे। हाँ। अच्छा, उस का है मिशन कामयाब नहीं हुआ वो, कि अभी वो मिशन है मिशन? अरे जब तेजस्वी बोले हैं कि पत्ता अभी है, ये है ललन सिंह टक्कर ले लिए थे गृह मंत्री से ना, अमित शाह के खिलाफ बिन बयान दे दिए थे, तो न उधर के हैं इधर के भीतरे हैं, तो भीतरे हैं तो वो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन हो जाएगा क्लियर। अरे भाई, अभी भी स्पीकर किसके हैं बताइए? आरजेडी के हैं। तो फिर अवध बिहारी चौधरी जी। हाँ। अच्छा, वो गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी एकदम साइलेंट बैठे हैं चुपचाप। के मतलब तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है वही है क्या? न तेजस्वी निकल रहे हैं, न अवध बिहारी चौधरी निकल रहे हैं, एकदम सब लोग अंडरग्राउंड टाइप से हैं। तो खेला करेंगे सब, बता के थोड़े बोले हैं पत्ता नहीं खोलेंगे, तो पत्ता नहीं खोल रहे हैं जी। ए लाल सलाम, इधर आइए। अरे इधर आइए, आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं सुना है नीतीश कुमार जी। हाँ, माले वाला पार्टी तोड़ रहे हैं सुना है? न तोड़े हैं। अच्छा, बोलिए पूछिए। तो कुल मिलाकर के ये जो आप गणित समझा रहे हैं, इस गणित के अनुसार खेला हो सकता है? हाँ। या हो सकता है जो गणित आप बैठा रहे हैं वो ही राजनीति में जो वो लोग हैं बैठा लिए होंगे। हाँ। अरे भाई, बीबीसी में खबर छपी, आप खोलिएगा, कि नई सरकार के बाद अलग थलग क्यों पड़ गए ललन सिंह, उसमें दिया हुआ कि ललन सिंह सीधे टक्कर ले लिए अमित शाह से। तो अमित शाह से मुकाबला टक्कर लीजिएगा तो क्या होगा हसर? और सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी अगर बोले हैं कि खेला करेंगे तो करना होगा, करना अगर होगा। तेजस्वी यादव 2025 से पहले, फिर से नोट कीजिए, तेजस्वी यादव अगर 2025 से पहले खेला नहीं किए तो वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हुआ है, भाजपा आ जाएगी और फिर हिला नहीं पाइएगा। और अगर तेजस्वी यादव एक बार चीफ मिनिस्टर बन गए तो 15-20 साल तो कोई हिलाने नहीं जा रहा है इनको, एकदम। तो बाई क्रुक और हुक, बाई हुक और क्रुक जो बोलिए, झोला पोथी लेके चाहे जैसे भी सरकार बनाना पड़ेगा अगर सत्ता में रहना है तो। नीतीश का क्या होगा फिर? नीतीश शाह तो रिटायर हो जाएंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश जी। देखिए, अभी जो बात वही चल रही है, खेला वाला जो गणित है वो सबसे ज़्यादा बैठाया जा रहा है। आम तौर से जो पत्रकारिता में लोग हैं, जो राजनीति में लोग हैं और जो सरकार में बैठे हुए, वो भी इस गणित से वाकिफ हैं, जो गणित वेद प्रकाश जी ने समझाया कि ऐसे आ जाए, इधर से 4 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, हो सकता है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा, इसलिए कि बिहार विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसकी जो मुद्दत थी वो घटा दी गई, बढ़ा दी जाती है, फिर का तो कोई ठीक नहीं कि एकाक दिन और कम कर दिया जाए उसमें। यही सारा जो मामला है फ्लोरे पर खेल होगा ना। हाँ, देखिए वो चीज़ बोलते हैं, अब माया मोह छोड़िए लालू जी। हाँ, 5 गो टिकट का माया मोह छोड़ दीजिए अब दे दीजिए, जदयू के विधायक को दे दीजिए,
कहिए आइए जदयू के विधायक जी, आइए जाइए लोकसभा चुनाव लड़िए, जाइए संसद, दिल्ली का टिकट हम काट देते हैं। और जैसे दिल्ली का टिकट कटेगा इधर इधर विधायक घटेगा और सरकार तेजस्वी की बनेगी बनेगी। हाँ तो पांच को विधायक तोड़ना कौन भारी बात है? लालू जी का ओ जादवे बुला ले, अगर आपको कहे कि बतिया दो तो बतिया दीजिएगा। हाँ को बोले लालू जी हम बात करेंगे, अगर मान गए तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। माझी जी वाला तो चार को बनाइए लीजिएगा आप। अगर लालू जी तोड़ के ला देते हैं पांच, अगर लालू यादव जदयू के पांच विधायक तोड़ देते हैं तो हम अपनी बात पूरा दलित समाज मांझी जी के घर में जाएगा, उनसे आग्रह करेंगे जितने भी प्रभुत दलित है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल दलित हैं, वो सब मिल के मांझी जी को गोद में उठा के लालू जी के बगल में बैठा देगा। दोनों बूढ़ो बैठिया बच्चा सबको दीजिए चला मिला। हाँ तो पहले तोड़िए तो लालू जी। अरे बड़ी दलित समाज में भी बातचीत हो रही है, जो दलित बुद्धिजीवी हम मांझी जी से मिलने जा रहे हैं कि बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने, संविधान को बचाने के लिए कहाँ आप चल गए हैं? इधर हो रहा है खेला हो रहा है, तो पहले आप पांच विकेट गिराइए। इंतजार वही है लोगों का, अभी जो गणित बैठाया जा रहा है कि विधानसभा जो फ्लोर टेस्ट होगा उसी दिन हो सकता है कि खेला हो जाए। तीनों चार विकेट गिरा दीजिए जी। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग को खेल देखने क्रिकेट हम लोग बहुत देख, राजभवन से मुख्यमंत्री आवाज, मुख्यमंत्री से राबड़ी आवाज, भाई हम लोग पवेलियन में हैं, चाहे कमेंटेटर हैं, दर्शक आप लोग हैं, कमेंटेटर को भी मजा आ रहा है, दर्शक को भी मजा आ रहा है, खिलाड़ी यहाँ सुस्त पड़िएगा तो हम भी बोर होंगे और दर्शक भी बोर होंगे, तो खेले हैं तो बढ़िया से खेलिए, बढ़िया से खेलिए। तेजस्वी जी दुश्मनी किए हैं तो जरा जम के कीजिए, चचा के पास 45 विधायक है थोड़ा कम तो कीजिए। बोल दीजिए सब्सक्राइब वाला जो बोलते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो, वीडियो अच्छा सब देखिए अभी क्या हुआ है, फेसबुक पे व्यूज घटा दिया है लोग, इसलिए वीडियो देखना है तो सर्च करके देखना पड़ेगा, वेद प्रकाश सर्च कीजिए, हेडलाइंस बिहार सर्च करके देखिए, पब्लिक स्टेशन सर्च करके देखिए, न्यूज फॉर सिटीजन सर्च करके देखिए, और नहीं तो सीधे यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए। देखते हैं बड़का बड़का पत्र, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, फलनवा चिलनवा ढकनवा, सबके फेसबुक पे व्यूज डाउन कर दिया है, चुनौत चलते हैं, तो जहाँ देखना है तो यूट्यूब पे चल जाइए एकदम अखिया मूंद के, और देखिएगा अखिया खोल के, कान खोल के, कान खोल के, समझ गए। आपकी क्या राय है खेला का इंतजार की, जो गणित इन्होंने बताया आपको कैसा लगा जरूर बताइए।